उत्तराखंड क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर दक्षिण से प्राचीन काल से ही निकटता रही है। इन सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए इन दिनों उत्तराखंड और कर्नाटक एक दूसरे के संग अपनी जानकारियों को साझा कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हो रहे इस सांस्कृतिक आदान प्रदान की कड़ी में आइए आज आपका परिचय कराते हैं कर्नाटक की कुछ लोकप्रिय और प्रसिद्ध मिठाइयों से। प्रत्येक स्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है जो वहां के सामाजिक जीवन और परंपराओं में हमेशा झलकती है। कुछ स्थानों की पहचान को वहां का खान पान, वहां के व्यंजन विशिष्ट बना देते हैं। ऐसे में जब बात कर्नाटक राज्य की हो रही हो तो वहां के उन मिष्ठान का जिक्र भला कैसे ना हो जो अपने स्वाद में अद्वितीय होने के साथ संबंधों में मिठास घोलते हैं। इनमें एक प्रमुख मिष्ठान है होलिये, यानी स्वीट पोली। होली को कन्नड़ भाषा में ओबट्टू भी कहा जाता है। ये यहाँ के पारंपरिक डेजर्ट में से एक है। पहले आमतौर पर गुड़ दाल का होलिये ही बनाया जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों के स्वाद में भी बदलाव आया है। अब फल, सब्जियां, अखरोट आदि से भी होलिये बनाया जाने लगा है जो लोगों को खासा पसंद आता है। होलिये यहाँ कर्नाटका का बहुत फेमस स्वीट है। कहीं भी जाओ कर्नाटक में होलिये मिलेगा ही। बिना होलिये का उनका भोजन खत्म नहीं होता है। शादी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, एक होलिये जैसा एक स्वीट रहता ही है। और यहाँ होलिये में सबसे ज़्यादा जाता है दाल होलिये, जो लोगों को बहुत पसंद है। और कोकोनट होलिये भी बहुत पसंद है, पर ज़्यादातर लोग यहाँ के लोगों को दाल होलिये ही पसंद है क्योंकि वो घी के साथ खाया जा सकता है। और दाल में जैगरी सब मिक्स होने की वजह से वो डाइट सब लोगों को पसंद है क्योंकि शुगर ज़्यादा नहीं होता है उसमें। इधर होलिये बहुत सेल होता है, कर्नाटक का बहुत फेमस फूड है। और इधर बहुत आउट ऑफ स्टेशन बहुत आदमी इधर आके कर्नाटक में कौन सा स्पेशल करके पूछ के होलिये कहता है। होलिये कर्नाटक का बहुत अच्छा फूड है। दाल का, कोबरे का और 15 वेराइटी पोली मिलता है, सबसे टेस्टी रहता है, गरम गरम इधर ही बना के देते हैं। कर्नाटक राज्य के पारंपरिक स्वाद में मैसूर पाक को भी खास जगह हासिल है। दरअसल कर्नाटक की पुरानी पहचान मैसूर राज्य के नाम से थी। मैसूर पाक उसी पुराने मैसूर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मिष्ठान है। बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति मैसूर के राजा ओडेयार के रसोई से हुई। आज मैसूर पाक दुनिया भर में अपने स्वाद के कारण लोकप्रिय है। कर्नाटक के प्रमुख जिलों में से एक बेलगाम को पहले कुंदनगिरी के नाम से जाना जाता रहा है। इसका कारण वहां का प्रसिद्ध मीठा कुंदा रहा है। कहा जाता है कि अगर आपने एक बार इस मीठे व्यंजन कुंदा का आनंद ले लिया तो आप इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। ये बेलगाम जिले के साथ ही बेंगलोर सहित विभिन्न शहरों में उपलब्ध होता है। इसी तरह करंदटू भी कर्नाटक की लोकप्रिय मिठाई है। ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण से इसे तैयार किया जाता है। करंदटू को बच्चों, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए एक पौष्टिक व्यंजन माना जाता है। इस कारण इसे लोग काफी पसंद करते हैं। कर्नाटक राज्य की परंपरागत मिठाइयों में हुबली और धारवाड़ का पेड़ा भी काफी प्रसिद्ध है। धारवाड़ उत्तरी कर्नाटक का प्रमुख वाणिज्यिक शहर है। धारवाड़ की पहचान साहित्य नगरी के तौर पर भी है। इसी धारवाड़ में तैयार किया जाने वाला मिश्रा पेड़ा अपने लाजवाब स्वाद के लिए जाना जाता है। यही कर्नाटक की खासियत है। यहाँ ना सिर्फ भौगोलिक रूप से विशेषता है बल्कि स्वाद में भी अलग है, विशेष नाम पाया है। यहाँ के होलिये, करदंटो, पेड़ा, कुंदा होलिये और मैसूर पाक जो है सिर्फ कर्नाटक के लोगों को ही चखाता नहीं है, विदेश में भी अपना स्वाद दिखाया है। कैमरा पर्सन खादर के साथ संध्या उरेंडकर, बेंगलोर, डीडी।